आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत की फिल्म एन एक्शन हीरो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। पहली बार एक्टर आयुष्मान खुराना एक एक्शन फिल्म में नज़र आने वाले हैं। बड़े पर्दे पर आयुष्मान अपनी हर फिल्म के साथ एक अलग किरदार निभाते दिखते हैं। इस बार एक्शन हीरो बनकर क्या गर्दा उड़ाने वाले हैं, ट्रेलर देखकर पता लगाया जा सकता है। रोमांटिक हीरो इमेज वाले आयुष्मान खुराना पहली बार एक फुल एक्शन फिल्म में नज़र आने वाले हैं। फिल्म में आयुष्मान की एंट्री एक मसाला एक्शन हीरो के रूप में होती है। ट्रेलर देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में एक्शन कॉमेडी ड्रामा का भरपूर डोज मिलने वाला है। इस ट्रेलर में जयदीप अहलावत की मौजूदगी में दमदार है। जयदीप द्वारा बोले गए एक लाइनर्स कई बार आयुष्मान की एक्शन पर भारी पड़ते नज़र आते हैं। ट्रेलर में आयुष्मान का एक डायलॉग है, लड़ना मेरा काम है, शौक नहीं है। दरअसल यह जाहिर करता है कि फिल्म में उनका किरदार एक एक्शन सुपरस्टार का है, जिसने एक्टिंग के दौरान कई सारे एक्शन सीक्वेंसेज किए हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में जब इस तरह के एक्शन की नौबत आती है तो वो सीखी हुई ट्रेनिंग के सहारे कैसे रिएक्ट करते हैं, यही फिल्म का जिस्ट है। एक ऑर्डिनरी सिचुएशन पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन कैसे डील करता है, ट्रेलर देखकर यही समझ आता है। और दोस्तों, एक्शन की बात हो और अक्षय कुमार का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। फिल्म के ट्रेलर में भले ही ना हो, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि अक्षय कुमार इसमें कैमियो रोल में नज़र आ सकते हैं। और यह फिल्म 2 दिसंबर 2022 को रिलीज होने वाली है।